मैं हूँ शिवम और आप सबको फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का रेसिपी इंडियन एक ट्रेडिशनल रेसिपी की पतोरी, बहुत टेस्टी है रेसिपी। तो आज का वीडियो पूरा देखिए और ये जो रेसिपी है एक बार आप घर पे ट्राई कीजिए। अगर आज का रेसिपी आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, क्योंकि आगे भी ऐसी टेस्टी रेसिपी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फिश पतोरी इंडिया का एक ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसलिए मैंने 4 पीसेस फिश लिया और फिश को मैंने अच्छे से धो लिया है और मसाला बहुत ही टेस्ट होना चाहिए, इसलिए मैंने एक टमाटर लिया है, एक मीडियम साइज अनियन, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी लहसुन। इसका पेस्ट बनाएंगे बट इसके साथ हम मसाला भी ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और थोड़ी सी पानी, इसको एक साथ पेस्ट बनाएंगे। और हमें चाहिए ग्रीन चिली और केले के पत्ते, तो 4 केले के पत्ते भी मैंने लिया है। मेरा पेस्ट रेडी हो गया और आप याद रखिए कि पेस्ट जब बना है तब पानी ज़्यादा मत दीजिए। तो पेस्ट के अंदर थोड़ी सी नमक, चीनी और मस्टर्ड ऑयल हम मिक्स कर देंगे और मिक्स अच्छे से इसको मिलाएंगे। फिर एक केले के पत्ते का ऊपर पहले मसाला रखेंगे, उसके बाद फिश, उसके बाद मसाला और ऊपर ग्रीन चिली, फिर फर्स्ट फोल्ड, सेकेंड फोल्ड, थर्ड फोल्ड एंड फोर्थ फोल्ड। इसके बाद एक धागे से अच्छे से इसको हम बांध लेंगे। अब अच्छे से देखिए इसको, इसको हम बांध लेंगे तो एक अभी रेडी हो गया, अच्छे से रेडी कर दिया मैंने। आप ये वाले भी अच्छे से देख लीजिए, केले के पत्ते के ऊपर पहले मसाला रखेंगे और फिर मछली और ऊपर से फिर हम मसाला देंगे और एक ग्रीन चिली, फिर इसको हम 4 फोल्ड करके बांध लेंगे। तो इस तरह मैंने रेडी कर लिया है। फिर एक पैन गरम करके इसे हम पैन का ऊपर रखेंगे और इसे हम लो फ्लेम में कम से कम 15 से 20 मिनट तक इसको हम पकाएंगे, इसको कवर करके पकाएंगे हम। तो 5 मिनट बाद कवर ओपन करके इसको हम पलट के दूसरा साइड भी हम फ्राई करना है इसका, तो इस तरह हम पलट देंगे। तो ऐसे करके आप 5 मिनट बाद आप इसको पलट के फ्राई कर लीजिए। तो फ्रेंड फिश पतोरी बहुत ही टेस्टी रेसिपी है, तो आपको तो इससे एक बार ज़रूर घर पर ट्राई करना चाहिए और ये रेसिपी आप राइस के साथ सर्व कीजिए। तो इस तरह हम पलट के इसको हम फ्राई करेंगे। याद रखिए 15 से 20 मिनट तक इसको हम फ्राई करना है ऐसे ही। तो अब ये रेडी है, इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। देखिए फिश पतोरी अभी रेडी है, एक ओपन करके आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छा खुशबू आ रही है, कितना अच्छा देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आपको मिलेगा।